नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त आकाश। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो जान के आपको शायद हैरानगी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि सेहत के लिए हंसना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लाफ्टर इज अ बेड मेडिसिन ऐसा भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हंसने से आपकी बॉडी का खून बढ़ता है। इसके अलावा आपके बॉडी के हार्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है और आपका तनाव जो है वो कहीं ना कहीं घटता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी रोना। क्या आप जानते हैं कि जितना हंसना जरूरी है कहीं ना कहीं उतना रोना भी जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रोना भी शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आपके मेंटल बैलेंस के लिए भी रोना काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है। ऐसा क्यों, इस बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो पे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो हंसने के फायदों के बारे में आपने खूब सुना या पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोने के भी खूब फायदे हैं? जी हाँ, रोना भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है और इससे न सिर्फ उनका मन हल्का होता है बल्कि शरीर को भी इसका फायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं रोने से इंसान को क्या क्या फायदे होते हैं। तो जब इंसान तनाव में होता है तो उसके शरीर कई टॉक्सिक बन जाते हैं। अगर ये टॉक्सिक शरीर से बाहर ना निकले तो शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। रोने से ये टॉक्सिन्स धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और इंसान का तनाव भी कम हो जाता है। वहीं दोस्तों, एक स्टडी में पता चला है कि रोने के बाद नींद अच्छी आती है। दरअसल रोने से इंसान का दिमाग शांत हो जाता है और उसे अच्छी नींद आती है। बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि वे रोने के बाद शांत होकर सो जाते हैं। दोस्तों, जब भी व्यक्ति को तनाव होता है तो वह काफ़ी भारीपन महसूस करता है। अगर व्यक्ति इस स्थिति में रो ले तो उससे इंसान हल्का महसूस करेगा और उसका तनाव भी कम हो जाएगा। साथ ही इससे अपने शरीर में ऑक्सीजोसिस और एंडोर्फिन नामक केमिकल की साथ ही इसके साथ शरीर में ऑक्सीटोनिस और एंडोर्फिन नामक केमिकल भी रिलीज होते हैं, जिससे इंसान का मूड बेहतर हो जाता है। दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण और तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल का असर हमारी आंखों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में अगर इंसान रो लेता है तो इससे उनकी आंखों से प्रदूषण का असर खत्म हो जाता है और आंखें साफ हो जाती हैं। साथ ही आंखों में तरलता बनी रहती है, यानी मॉइस्चर बना रहता है, जो हमारी आंखों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये सारे फायदे थे रोने के। अब आप भी समझ गए होंगे कि रोना भी कितना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।